देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मोदी कैबिनेट की ओर से बुधवार को ही मंजूरी मिल गई, लेकिन शिक्षक भर्ती में किए जाने वाले बदलाव को लेकर अब राजस्थान के बेरोजगारों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षक भर्ती में अब डेमो क्लासेज और साक्षात्कार के बिंदु को शामिल किया जा रहा है, जिसके बाद प्रदेश में ही नहीं देश के बेरोजगारों ने नीति में शामिल इस बिंदु के विरोध में उतर गए हैं। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ प्रवक्ता उपेन यादव के नेतृत्व में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को ज्ञापन सौंपा और शिक्षक भर्ती में नए नियमों के बिंदुओं को हटाने की मांग की। साथ ही भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने इस संबंध में केंद्र सरकार से वार्ता का आश्वासन भी दिया। उपेन यादव ने कहा कि जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा था उस समय ही यह बिंदु का विरोध जताया गया था, लेकिन इसके बाद भी नीति में इस बिंदु को शामिल किया गया और कहा गया कि केंद्र सरकार की ओर से इस शर्त को नहीं हटाने पर प्रदेश भर में बेरोजगारों की ओर से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा जो नई शिक्षा नीति जारी की गई है उसमें शिक्षक भर्तियों में डेमो क्लासेस और इंटरव्यू को अनिवार्य बताया गया है, और जिसका पूरे देश के युवाओं को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। इसमें भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और योग्य अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ कुठारघात होगा। उसको लेकर आज हमने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पूनिया जी को ज्ञापन दिया, अवगत करवाया है कि तुरंत डेमो और इंटरव्यू को हटाया जाए जिसे योग्य अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी के निवास पर जाकर राज्य सरकार को भी ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि राज्य सरकार डेमो क्लासेज और इंटरव्यू को अनिवार्य रूप में लागू न करे और वो भी विरोध करे केंद्र सरकार की इस शिक्षा नीति का, जिससे राजस्थान के बेरोजगारों का नहीं पूरे देश के बेरोजगारों का भविष्य बच सके। और साथ में हम चेतावनी देते हैं, यदि इंटरव्यू और डेमो क्लासेस को शिक्षक भर्ती में लागू किया जाता है तो हम प्रदेश नहीं पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। अजमेर नगर निगम ने वैशाली नगर और पंचशील